सिलसिला। खबर है झाबुआ जिले से, जहां पर संगमरिया भंडारण केंद्र कर रहा है किसानों से लूटपाट। खाद्य को बेच रहा है महंगे दामों में। सांसद प्रतिनिधि अरोड़ा ने एसडीएम को अवगत कराया, उसके बाद खाद्य केंद्र पर हुई कार्रवाई। झाबुआ जिला मुख्यालय पर सरकारी खाद्य केंद्र वाले गरीब ग्रामीणों को महंगे दामों में खाद्य उपलब्ध करवा कर कई समय से रुपए की लूटपाट मचा रखी थी। शासकीय मूल्य निर्धारित होने के बावजूद भी ग्रामीणों को महंगे दामों पर खाद उपलब्ध हो रहा था और भोले भाले ग्रामीण लोगों को महंगे दामों पर खाद उपलब्ध करवा कर गांधी शॉप नोट छापने में मदमस्त दिखाई दे रहे थे। खाद लेने के लिए दूर दराज ग्राम कस्बे एवं फलियों से ग्रामीण को जिला मुख्यालय तक लेने आना पड़ता था और उन्हें मूल प्राइस से बढ़ चढ़कर खाद उपलब्ध हो रहा था, जबकि जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के होते हुए भी वहां इस गाड़ी कमाई को छापने में बेहिचक अपने कारनामे को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे थे। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मुनसिंह वसुनिया। कहाँ से आए? कागल खोस से। क्या खाद लेने आए थे? जी सर, खाद लेना। कितनी बोरी लिया आपने? 6 बोरी। और कितना रुपए दिए? 1620 रुपये। एक बोरी का क्या रेट है? 270। और कब आए थे आप लेने के लिए? 8 बजे। और क्या समस्या है? और अभी तो 1:30 बज रही है, तो इतना समय कैसे क्या हो गया सर? यहाँ 11 बजे के बाद ही खुला है ये। अच्छा, हमको करीब 1-1.5 घंटा तो लाइन में लगना पड़ा, इसके बाद ही मिले खातर। तो ये कितने बजे खुलता है? आप कितने बजे मिलना चालू हुआ? 11 बजे बाद ही, 12 बजे के आसपास ही मिल ले। 11 बजे तो खुला ही नहीं था। ओके। जी, आपका नाम? वेलसी। कहाँ से आए थे? बचका से। कितना आपको विलम्ब हो रहा है यहाँ? 11 बजे से आया सर, लाइन में अभी मतलब कोई मिल नहीं रखा था। हम भी मतलब पानी 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 पी रहे, पानी नहीं मिल रहा, कहाँ से यहाँ लाइन फिर टूट जाएगी, दूसरे आ जाएंगे। और क्या मतलब क्या कर रहे हैं यार, क्या कंप्यूटर चला रहे हैं सर? हम मतलब थक गया, ज़्यादा लाइन नहीं है, पर फिर भी मतलब 11 बजे से अभी तक खातर नहीं मिला। कितना समय हो गया आपको यहाँ? लगभग थक गया, 3 घंटे यहाँ। 3 घंटे हो गए यहाँ। और आपको जानकारी है कितने रुपये में एक बोरी मिल रही है? जानकारी है मतलब 270 में मिल रही है कि अभी लिया नहीं हमने, आज आई तब मालूम पड़े। नहीं, दूसरों ने लिया होगा तो आपको बताया होगा। 270 बता रहे सर। ठीक। विपणन से जो आज खाद कृषकों को वितरण किया जा रहा है, उनकी रसीदों में कृषक का नाम और अमाउंट नहीं लिखा था। इसकी जब जानकारी प्राप्त हुई मुझे, तो मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को साथ में लेके आया हूँ, देखा और उससे मतलब कर्मचारी से पूछताछ की। उसके द्वारा बताया गया कि भीड़ अधिक होने के कारण मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ, पर ये गलत है। कृषक को जिसने खाद प्राप्त किया है उसको उसका नाम और खाद की कीमत और कुल राशि लिखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त तो गोडाउन पर माल सप्लाई होने के बाद, खाद सप्लाई होने के बाद में रसीद कृषक को देने का प्रावधान है, जो सामान्यतः ये अपने जेब में रख लेते हैं। उनको भी समझा दिया है, आज पहला मौका था, इसलिए दोनों कर्मचारियों को समझा दिया है। और फिर भी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पंचनामा बनाएंगे और कृषि विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मामला अभी संज्ञान में आया है कि एडीएम साहब के पास कोई शिकायत आई है कि मार्केट में जो इनवॉइस जारी कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। तो एडीएम साहब से जैसे सूचना मिली, मैं तत्काल एडीएम ऑफिस पहुँचा हूँ, साहब के साथ यहाँ आया, तो जो इनवॉइस जारी किया गया था उसमें किसी कृषक का नाम और ये जैसे साहब ने बताया वैसे अमाउंट लिखा हुआ नहीं था। तो ये जो है इसका उल्लंघन है, ये एफसीओ का उल्लंघन है सीधे सीधे। तो उसके लिए इंस्पेक्टर को यहाँ पे वो निर्धारित किया है, वो अपना निरीक्षण प्रतिवेदन बनाएगा और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद फाइल पुटअप करेगा। इसके बाद इस विरुद्ध जो कार्रवाई नहीं करनी है डीडी साहब करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।